चार्ट पे आज जो निफ्टी ने ओपनिंग दी है वो आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल अपने टॉप रेजिस्टेंस के पास इसने हिट किया है जाके। ओपनिंग जिसने दी है 16,650 एक क्रूचल यहाँ पे पॉइंट था, और उसके बाद मूवमेंट भी ऊपर जाकर दिया है 16,700 जो इसका रेजिस्टेंस था, और इसने बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट रिस्पेक्ट करते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ एक डाउनफॉल दिया है। तो ये ऑब्वियस था कि अगर 16,700 पर इसको ये निफ्टी टच करती है तो एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि 16,700 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस था। अब इसी को 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या मूवमेंट रहा आज का। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है ये। इसमें एक्चुअली में जो आपने देखा कि जो 16,700 का जो रेजिस्टेंस था वो बकायदा इसने उसको रिस्पेक्ट किया है। मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, कहीं एक सपोर्ट था यहाँ पर, देखें आप यहाँ पे एक पिछला रेजिस्टेंस था जो यहाँ से सपोर्ट लिया इसने यहाँ से, और उसके बाद एक अपवर्ड मूवमेंट दिया है। फिर यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद अपने पुराने रेजिस्टेंस को, जैसे ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के आसपास ये यहाँ पे हिट किया, और उसके बाद इसने अपने रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करते हुए डाउनफॉल दिया, जिसमें फिर इसने तुरंत अपने पिछले जो यहाँ पे सपोर्ट जहाँ से ओपनिंग था वहाँ पर जाके एक सपोर्ट लिया, और फिर एक बार ऊपर का मूवमेंट दिखाया इसने। और इस रेजिस्टेंस के लेवल पे बिल्कुल सेम देखिए, इस रेजिस्टेंस के लेवल पे इसने फिर से रेजिस्टेंस की तरह इसने एक्ट किया इस लेवल ने, और यहाँ से एक डाउनफॉल दिया। तो मार्केट अभी यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि कल क्या क्या हो सकता है। अगर कल मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन होती है यहाँ पर कहीं, तो 16,585 के आसपास, तो हमें पहले वेट करना है इसके कंसोलिडेशन का। अगर यहाँ पर ये इसको रिस्पेक्ट करती है और यहाँ से अप मूव देती है, तो हम यहाँ से एक कॉल ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया है और पीछे कहीं रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर ये इसको भी ब्रेक करता है प्राइस उसके बाद, तो फिर हम अगला टारगेट ये यहाँ तक बना सकते हैं जो इसका ये लेवल है 16,700 का टारगेट रख सकते हैं। अगर कल निफ्टी कहीं यहाँ पर गैप अप के साथ 16,700 के आसपास ओपनिंग देता है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, एक बार यहाँ पे किया है एक बार यहाँ पे किया है, तो आप अगर यहाँ से ये डाउनफॉल देना शुरू करता है तो आप यहाँ पे 16,690 के आसपास या 685 के आसपास एक इंट्री लेकर पहला टारगेट आप यहाँ तक का बना सकते हैं पिछले सपोर्ट का। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 16,580 का हो सकता है। अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो हम अगला टारगेट 16,480 का बना सकते हैं। ये हो गया निफ्टी 50 की बात कर ले, मैं निफ्टी बैंक भी देख लेते हैं। ये निफ्टी बैंक का डेली चार्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वन डे का चार्ट लगा हुआ है, और मार्केट ने आज जो ओपनिंग दी वो दी है यहाँ पर कहीं 35,750 के आसपास, और इसके बाद इसने जो है ऊपर लेवल टच किया है 35,890 पे। यहाँ पर कहीं पे एक रेजिस्टेंस था जहाँ से डाउन गया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, तो बिल्कुल उसी लेवल पे इसने रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम किया और मार्केट ने नीचे की तरफ एक मूवमेंट दिखाया। 15 मिनट्स के चार्ट पे देख लेते हैं एक बार अच्छे से इसमें क्या क्या रहा। तो ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट, एक बार देख लेते हैं। ये यहाँ पे अभी तक का सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस अभी चल रहा है जो 36,200 का है, और यहाँ तो भी दूर है खैर। और आज जो मार्केट ने ओपनिंग दी वो बिल्कुल अपने एक रेजिस्टेंस पे दी, जहाँ से देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये सेम लेवल वहीं पे ओपनिंग दी इसने उसी के आसपास, और यहाँ पे भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, तो ये एक नेचुरल बिहेवियर था कि यहाँ से मार्केट एक डाउन मूवमेंट दे सकती है। डाउन मूवमेंट कहाँ तक देगी? पिछले सपोर्ट तक। जैसे यहाँ पे ये एक लेवल था, ये एक सपोर्ट था, और यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, ये वही लेवल है जहाँ तक इसने डाउनफॉल आज आपको देखने को बैंक निफ्टी में मिला जी। अब बात कर लेते हैं, अगर कल को बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है अगर यहीं पर कहीं, तो हमें वेट करना है इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस जिस तरीके से भी इसको एक्ट करता है, इसके ब्रेक होने का। अगर ये यहाँ से कंसोलिडेट होके ऊपर जाती है मार्केट, तो हम अपना नेक्स्ट टारगेट कॉल ऑप्शन के साथ इस रेजिस्टेंस तक का बना सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप के साथ सीधे यहाँ ओपन होगी, तो वैसे ज़्यादातर मार्केट जितनी भी बार गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो वो अपने गैप को फिल करने की कोशिश करती है, तो हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे और एक डाउनफॉल दे हमें इस लेवल तक का।
अगर ये इसको ब्रेक करती है तो हम अगले पिछले एक छोटे सपोर्ट तक का टारगेट यहाँ पे ले जा सकते हैं, और इसको भी ब्रेक करे तो हम यहाँ तक का टारगेट दे सकते हैं, और उसको भी अगर ब्रेक करे तो ये जो सबसे पुराना इसका सपोर्ट है, ये देखिए अब यहाँ पे एक सपोर्ट था इसका, वो वहाँ तक अपना ले सकते हैं। यहाँ से एक ब्रेकआउट भी था, यहाँ ये पुराना रेजिस्टेंस काम कर रहा था तो इसके लिए सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। अब बात करते हैं, अगर यही निफ्टी कल अगर फ्लैट ओपन हुआ, हमने बात कर लिया ऊपर ओपन होता है तो बात कर ली हमने, अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं निफ्टी ओपन होता है और अगर ये इसको सपोर्ट की तरह काम करेगा तो हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा, और अगर ये इसको ब्रेक करके थोड़ी देर कंसोलिडेट करके ऊपर का मूव देता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस। वीडियो देखिए, आप भी चाहें तो ये सारे लेवल्स अपने मैप चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं कल सेम स्ट्रेटजी के साथ।